मैं जीना चाहता हूँ। हाँ, मैं पहले की तरह जीना चाहता हूँ, पर अब शायद मुश्किल है। मुश्किल, क्योंकि हमने उस रब को नाराज़ जो किया है। और क्यों ना हो भला, हमने उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र भी तो अदा नहीं किया। इसलिए तो उसने हमें उनसे दूर कर दिया जिनके साथ हम रहना चाहते थे, जिनके साथ हम उठना चाहते थे, बैठना चाहते थे, खेलना चाहते थे, और कभी कभी तो हम उनके साथ लड़ना भी चाहते थे। अरे, मैंने तो कितने दिनों के प्लान्स भी डिसाइड कर लिए थे, लेकिन अब जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो सब बदल सा गया है। गलियों का वो सन्नाटा, मानो बच्चों ने यहाँ कभी खेला ही ना हो, वो साथ लड़े ही ना हो, और अंटी बंटी शंटी करके फिर से दोस्त ही ना बने हो। वो जीना चाहते हैं, हाँ, वो एक बार फिर से जीना चाहते हैं। और वो सुनसान सड़कों का सन्नाटा भी तो, जहाँ हम अपने काम के लिए जाया करते थे, सब याद आता है। वो रास्तों का ट्रैफिक और उसका शोर, और कभी कभी तो लोगों का आपस में लड़ जाना, सब याद आता है। वीकेंड्स पर अपने दोस्तों से मिलना, अरे 1 मीटर की दूरी से नहीं बल्कि उनको गले लगाना, उनके साथ मस्ती करना, एंजॉय करना, सब याद आता है। मैं मस्ती करना चाहता हूँ, हाँ, मैं दोस्तों के साथ एक बार फिर से मस्ती करना चाहता हूँ। पहले हम कहते थे ना, हवा कितनी गंदी हो गई है, लो इस वायरस ने आपके लिए इसे भी साफ कर दी, लेकिन सांस लेने की आज़ादी ही छीन ली। अब हम खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे। लेकिन पता है क्या, इस लॉकडाउन में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जैसे हमारी पृथ्वी ने हील करना शुरू कर दिया है, हमारी हवा फिर से साफ हो गई है, पक्षियों ने चहचहाना और जानवरों ने आज़ादी से घूमना शुरू कर दिया, आसमान का रंग फिर से नीला हो गया है। ये कुदरत मुस्कुराना चाहती है, हाँ, एक बार फिर से मुस्कुराना चाहती है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस अब इस लॉकडाउन में हमें अपने अंदर की गंदगी भी साफ कर लेनी चाहिए, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लेना चाहिए। और हाँ, इन सब के बीच उन डॉक्टर्स और पुलिस को मत भूल जाना, जो लगे हुए हैं बस कोशिश में कि सब ठीक हो जाए, जो लगे हुए हैं बिना जाति धर्म को देखे कि सब ठीक हो जाए, वो लगे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर कि सब ठीक हो जाए, वो लगे हुए हैं खुद को दाव पर रखकर कि सब ठीक हो जाए, वो दुनिया को संभालना चाहते हैं, हाँ, वो एक बार फिर से संभालना चाहते हैं। सैल्यूट करता है इरफान उनको जो मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। आज ज़िंदगी ने फिर बता दिया, हम कुदरत से हैं, कुदरत हमसे नहीं। हमारी ज़िंदगी में कई बदलाव आए इस वायरस और लॉकडाउन की वजह से। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव अच्छे हैं?